नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, वेदों का ज्ञान आम लोगों में आस्था पैदा कर सकता है। वे समग्र ज्ञान का स्रोत हैं, ये वचन कहे हैं आरएसएस के प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत। यह कार्यक्रम श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास और श्री सतगुरु ग्रुप पुणे द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था, जिसमें वेद सेवकों को अयोध्या में उनके 16 महीने के कठोर अनुष्ठान के लिए सम्मानित किया गया था। वैदिक ज्ञान के प्रसार के महत्व पर जोर देते हुए आरएसएस सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने समाज के आध्यात्मिक ताने बाने को बनाए रखने के लिए समकालीन संदर्भों में प्राचीन शास्त्रों को पुनर्जीवित करने का आह्वान किया। डॉक्टर भागवत ने 4 सितंबर को बाल गंधर्व रंग मंदिर में वेद सेवकों को सम्मानित करने के लिए आयोजित एक समारोह में कहा, आज समाज में आस्था को जीवित रखने के लिए वेदों का अद्यतन ज्ञान आम लोगों तक पहुंचाया जाना चाहिए। यह कार्यक्रम श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास और श्री सद्गुरु समूह पुणे द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था, जिसका उद्देश्य उन वेद सेवकों को सम्मानित करना था जिन्हें अयोध्या में 16 महीने तक कठोर अनुष्ठान करने के लिए सम्मानित किया गया था। नवंबर 2022 और फरवरी 2022 के बीच आयोजित सभी 4 वेदों के इस व्यापक जाप में महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों से 240 पुरोहित और राष्ट्र स्वयं सेवकों ने भाग लिया, जिन्होंने निरंतर प्रार्थना और पूजा के 36 चरण पूरे किए। डॉक्टर भागवत ने वेदों में निहित गहन ज्ञान को रेखांकित करते हुए कहा कि वेद न केवल प्राचीन ग्रंथ हैं, बल्कि ये भारत की आध्यात्मिक विरासत की नींव हैं, जो जीवन के बारे में गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा, इस ज्ञान को अद्यतन रूप में नई पीढ़ी तक ले जाने की आवश्यकता है, जो इसे वैश्विक शांति के संदेश के साथ दुनिया तक ले जा सकें। हाल की वैश्विक घटनाओं को संबोधित करते हुए डॉक्टर भागवत ने दुनिया भर में बढ़ती उदासीनता और वैमनस्य पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने चेतावनी दी कि दुनिया भर की बुरी ताकतें शांति को अस्थिर करने के लिए एकजुट हो गई हैं। उन्होंने अमेरिका, पोलैंड और अरब दुनिया में सांस्कृतिक गिरावट जैसे उदाहरणों का हवाला दिया, जिसमें अरब स्प्रिंग भी शामिल है, और चेतावनी दी कि इसी तरह की अव्यवस्था जल्द ही भारत तक पहुंच सकती है। उन्होंने कहा, हमारे पास इन बुरी ताकतों से निपटने की अक्षमता है, क्योंकि हमारे पास वेदों जैसे हमारे शास्त्रों के रूप में ज्ञान है। उन्होंने आग्रह किया कि इस ज्ञान को इस तरह से प्रस्तुत किया जाना चाहिए जो समकालीन समाज के साथ प्रतिध्वनित हो रहा है। उन्होंने पारिवारिक मूल्य प्रणाली को संरक्षित करने के महत्व पर जोर दिया, जिसके बारे में उन्होंने तर्क दिया कि देश की प्राचीन परंपराओं के कारण भारत में यह मजबूत बनी हुई है। उन्होंने कहा, जब पूरी दुनिया में परिवार प्रणाली नष्ट हो रही है, तब भी भारत में यह प्राचीन काल से ही मजबूत है, क्योंकि देश में परिवार की मूल्य प्रणाली प्रचलित है। उन्होंने वेद सेवकों को अपने व्यवहार में इन मूल्यों का प्रचार करने के लिए प्रोत्साहित किया। समावेशिता और भेदभाव समाप्त करने का आह्वान
डॉक्टर भागवत ने भेदभाव खास तौर पर छुआछूत की प्रथा को खत्म करने का आह्वान किया। उन्होंने सवाल किया, जब शास्त्रों में छुआछूत के लिए कोई जगह नहीं है तो यह गलत भेदभाव क्यों होना चाहिए? उन्होंने एक अधिक समावेशी समाज की आवश्यकता पर बल दिया। वैदिक ज्ञान और राम मंदिर का भविष्य, इस कार्यक्रम में विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ अक्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरिजी महाराज, भारत विकास ग्रुप पुणे के डॉक्टर हनुमंत गायकवाड़, सकाल मीडिया ग्रुप के अध्यक्ष अभिजीत पवार और सदगुरु ग्रुप के संस्थापक अध्यक्ष यशवंत कुलकर्णी जैसी गणमान्य हस्तियां भी शामिल हुई। चंपत राय ने अयोध्या में राम मंदिर की प्रगति पर जानकारी दी, जिसमें भविष्य की योजनाओं का विवरण दिया, जिसमें परिसर के भीतर 18 मंदिरों का निर्माण शामिल है जो शेषनाग जैसे देवताओं, वाल्मीकि, विशिष्ट विश्वामित्र, अगस्त्य जैसे समकालीन ऋषियों और निषाद राज और शबरी जैसे आदिवासी पात्रों को समर्पित है। उन्होंने पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ उपायों पर भी प्रकाश डाला, जिसमें शून्य निर्वहन प्रणाली शामिल है, जिसे प्रतिदिन मंदिर में आने वाले 25,000 तीर्थयात्रियों को समायोजित करने के लिए डिजाइन किया गया है। समाज और देश के प्रति समर्पण का आह्वान, स्वामी गोविंद देव गिरिजी महाराज ने अपने संबोधन में तप के गुणों का बखान किया और संत ज्ञानेश्वर द्वारा किए गए पश्चानादान को राम राज्य का घोषणा पत्र बताया। उन्होंने देश को नष्ट करने पर आमादा ताकतों से उत्पन्न खतरों के बारे में बात की और प्रत्येक व्यक्ति से अपने जीवन का एक हिस्सा समाज और राष्ट्र की सेवा में समर्पित करने का आह्वान किया। उन्होंने आग्रह किया, इन ताकतों को दबाने के लिए हमें एक ऐसी व्यवस्था बनानी होगी जिसमें हर कोई अपने जीवन के कुछ साल समाज और देश के लिए दो। आर राष्ट्रीय स्वयं सेवक देश की सुरक्षा और समृद्धि के लिए पूर्ण प्रयत्नशील हैं। राष्ट्र स्वयं सेवक संघ एक देशभक्तों की श्रेणी में आता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, सामाजिक संगठन है, जिसमें भारत के सनातन धर्म और संस्कृति की धरोहर को संजोए रखने का पूरा भरसक प्रयत्न किया जा रहा है। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मेरे दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार। इस वीडियो क्लिप में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रमुख डॉक्टर भागवत के वचन सुनिए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने पुणे में एक कार्यक्रम में कहा कि हम भगवान बनेंगे या नहीं ये लोग तय करेंगे। इस बयान का अपने अपने हिसाब से मतलब लगाया जा रहा है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर इंसान के भगवान होने के भ्रम वाली बात कही है। मोहन भागवत ने नसीहत दी है कि किसी को खुद के ही भगवान होने का ऐलान नहीं करना चाहिए। भागवत ने कहा कि कोई देवता होगा या नहीं ये तो लोग तय करते हैं। पुणे में आयोजित एक कार्यक्रम में मोहन भागवत ने ये बात कही। प्रत्येकाने देव वाद झालो भाई, परंतु देव आपण झालो की नाही हे लोक ठरवतील। आपण मी देव झालो असं मानू नये। अपने जीवन में जितना अच्छा काम कर सकते हैं करना चाहिए। कोई नहीं कह रहा कि आपको चमकना नहीं चाहिए। हर कोई देवता बन सकता है, परंतु आप देवता बन गए हैं या नहीं ये लोगों को तय करना चाहिए। भागवत ने कहा, संघ के स्वयंसेवक हिंसा के बीच भी राज्य से नहीं भागे और वे जीवन को सामान्य बनाने और दोनों समूह के बीच गुस्से को कम करने के लिए काम कर रहे हैं। मोहन भागवत ने आगे कहा, एनजीओ सब कुछ नहीं संभाल सकते, लेकिन संघ जो कुछ कर सकता है वह करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है।
और आइए अब आगे बढ़ते हुए आपको दिखा देते हैं मॉर्निंग जी में देश की पांच बड़ी खबरें।